सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्री बलिदान भोल सांचे धर्मार शलके दर्घ शिव उवाच देवी संभक्त सुर सर्वकार्य विधायने कलाहेकार सिद्ध्यर्थ उपाय ब्रूहियत्नतः देवी उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया तवेव स्नेहेन पिम्बः स्तुतिः प्रकाश्यते श्री दुर्गा सप्तत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि कर्णष्टम छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ज्ञानिनामभिचेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहाया महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तुः स्वस्तिः स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धृजत्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके काले नारायणे नमोऽस्तुते शरणागतलीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगा न शेषा न पहंसतुष्टा रुष्टा दुकामान सकलानभीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय शयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यसाधुरेश्वरि एवमेव त्वयाचार्यम् अश्वधैर्विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गास्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रीमहाराजे यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्राशूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातमाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दा स्वरूपिणी अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी
अपर्णानेकवर्णाच पाटला पाटलावृते पट्टाम्भर परिधाना कलमञ्जीररञ्जने अव्ययविक्रमाक्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोदकर्षणी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहनवाहन विशुम्भशुम्भहने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्द्रे च चण्डमुण्डाविनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वात्रधारिणी तदा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैकगञ्जा च कैशोरी युवतेयतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महाधरी मुद्गकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वालारुद्रमुखी कालरात्रि सरस्वती नारायणी भद्रमाया जलाधरी शिवधूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदम् ब्रह्मे नित्यम् दुर्गा नाम सदाशतम् नासाध्यम् विद्यते देवी त्रिशो लोकेश पार्वती धनम् धर्णम् सुतम् जायामयमस्मिन्नमेव च चतुर्भर्गम् तथा चन्द्रलभेन मुक्तिम् च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजय परया भक्त्या पठे नाम सदाशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे हि सुरभरैरपि राजानो दासराज्ञान्ते राजस्य महाभूयात् गोरोचनालक्षतुनङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलक्षयन्त्रविधिना विधिज्ञ भवे सदा धार्यते भुवारिः होमाभास्यानि सामग्रे चन्द्रे चतुर्विशां गते विलक्ष्य प्रमथे स्तोत्रं सा भवे संवदावदम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य करण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक
इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती जी स्तुति करते हैं। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः त्रनष्टवछन्दः चामुण्डा देवता अञ्जना सप्तमातराभीजम् निजबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्भामृत्यर्थ सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपेभिर्योगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगभ्यं परमलोके सर्वरक्षाकरं विनां यज्ञकस्य सुराघातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतापकारकम् दिव्यासोकवचर्पुण्यदर्शनश्वमहामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्धमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानि कानि नामानि ब्रह्मणे वा महात्मना अग्निना धह्यमानस्तु शत्रुमध्ये कथोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य वश्यामि शोकदुःखाभयं नहि ज्येष्ठभक्ता स्मृताणां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सौरन्ध्यदेवेशे रक्षसेता न संशयः प्रेतसंसाधु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीसंसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिशुवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसतमारूढा सर्वभरणभूषिता विद्येता मातरा सर्वः सर्वयोगा समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हरं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुण्डायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्रायुधानेतं देवानां विषाय वै नमस्यस्तु महारौद्रय महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देव दुष्प्रेक्षय शत्रुणाभयभर्जिनि प्राच्यं रक्षतमामेन्द्रियाग्नयामग्निदेवता दक्षिणेवत वाराहि नैरित्यां खड्गधारिणि प्रतिज्ञां भारुणे रक्ष वायभ्यां मृगवाहिनि उदिच्यां पादुकौमारि ऐशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताल्लैष्टवे तथा एवं दशदशो रक्ष चामुण्डा च भवाहन निरामे जाग्रतः पातु विजया पातु प्रेष्टितः पालिता भाम पार्श्वेतो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतने रक्ष रमामूर्धे व्यवस्थिता
माला धरे बलाते च भ्रुवा रक्षत चक्षुणे विनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमदण्डा जनाशिके शङ्खणे चक्षुरोर्मध्ये श्रोत्रोर्द्वारवासिनि त्वमोलोकालिका रक्ष कर्णमौले दुशाङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्च चतुर्षिका हृदये च मृदकला युभायां च सरस्वती दन्ता रक्षत कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि शुभकं रक्ष वाचं हे सर्वमङ्गला देवायां भद्रकाले च पृष्ठवंश धनुर्धरि नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकुभरि चन्द्योः गर्जने रक्ष बाहुमे वज्रधारिणि हस्योर्दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेश्वर नखाङ्गुलेश्वरी रक्ष कुक्ष रक्ष कुलेश्वरी सनारक्षन् महादेवी मनः शोकविनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नाभोजनामनि रक्ष गुह्यं गुहेश्वरी तथा भूतनागामिकामेढं गुदे महिषवाहिनि कर्त्या भगवते रक्ष यानुने विन्ध्यवासिनि जञ्जय महाबला रक्ष सर्वकामामृतायिनि गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलभासिनि नखाङ्गाकराले च केशादेवोर्धकेशिनि रोमकोपेषु कौमेरे तुजौ बागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्य मेधासि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तौ च मुरुणेश्वरि पदमापदे पदमकोश कभे चोडामणे तथा ज्वालामुखे नखज्ज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां सर्वेश्वरे तथा अहङ्कारमणो बुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणि प्राणापानौ तथा व्याणम् उदानं च समाणगम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दस्वर्शे च योजनि सत्त्वमयस्तमश्यैव रक्ष नारायणि सदा आयु रक्षतु बालाहि धर्मं रक्षतु वैष्णवि जया चैतिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवि पन्थाणां सुमता रक्ष मार्गं क्षेमकरि तथा राजद्वारे महालक्ष्मीं विजया सर्वदासिता रक्षाहीनं गृहस्थाणां वर्धितं गवचे गतु तत् सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेदो गच्छ शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्राप्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनामृतः भवान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां सत्यान्वितः देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवे वर्षतं साग्रमृत्यो विभाजितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभियद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतलः चेतरश्चैव जलजाशोपदेशिकाः सहजा कुलजमाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाखाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माडाभैरवाद्यः नश्यन्ति दर्शनार्थस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो निर्ववेदराक्षस्तेजो वृद्धिकरं परं यस् सा भर्जते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले यस्मिन् संस्थितिं चण्डिं कृत्वा तु कवचं पुरा
यावद्भूमण्डलम् दत्तकशलवनकाननम् तावतिष्ठति मे धन्यान् सन्ततिः पुत्रपातृगे देहान्ते परमवसानम् यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्रापणोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमरूपम् शिवेन सह मोदते अर्गलस्तोत्र अस्य श्रीअर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्भामेतये सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्यकण्ठे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनि दुर्गाक्षमाशुभाधाते सहस्रधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतादिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैटव विद्रावि विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि शुम्भस्येवन शुम्भस्य ध्रुमराक्षस्य महर्धिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि वन्दिताङ्ग्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि अचिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि न देव्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि सुभद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि चण्डिके सोतं जेतुम् अर्चयन्ति भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि विदेहि दुषिताकाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि सुरासुरसुरोरत्ननिकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि प्रचण्डदैत्यधर्वग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त्रे संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि कृष्णेण संसुदे देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि विमात सुदानाद संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि देवि प्रचण्डतो दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि देवि भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो जहि पदनी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि कारणीं दुर्गसंसार सागरस्य कलाभवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठ नरः स तु सप्तपदे सङ्ख्यां भरमाप्नोति सम्पदा अथ कीलकम्
ॐ अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्ड उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सौमार्धधारिणे सर्वमेतद्वियानीयान् मन्त्रानाम विकीलकम् स्वाभिक्षेमवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्धन्तजाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रानोषधं तत्र न किञ्चित् विभिद्यते विना व्याप्येन सिद्ध्यत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्काभिमलः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डकायासो तच्चलुप्तं जगारः समार्जेण च पुण्यस ताव्यथा वन्ययन्त्रणा स्वभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया भागदो दश अष्टं व्यामासमाहितः ददाति मदगन्नादेनादेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिष्ठिला विदायेन नित्यं जपति संसुटम् सा सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देव पणतस्तस्य भयं कोऽपि अजायते नापवृत्तो वशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते भुतैः सौभाग्यादिजनकेन्द्रे दृश्यते ललकाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शुभम् षड्यस्तु जप्यमाणेषु स्तोत्रैः सम्पत्तिरुच्यतैः भवत्येव समग्रामे ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्बलः शत्रुभाणिः परो मोक्षः श्रूयते सार्हतम् जनैः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र ऐ गिरिनन्दिनन्दितमेधिनिवेश्यविनोदिनन्दनुते गिरिवरविन्दशिरादिनिवासिनिवेशुविनाशिनिपते भगवति हेशति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनिरम्यकवरदिनि जयनसुते दुरवरमर्षिणि दुरदरदर्शिनि दुरमुखमर्षणि हर्षरते त्रिभुवनमोषणि शङ्करदोषिणि किल विषमोषणि गोचरते तनुजनि रोषिणि सुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सन्दुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि जयनसुते हरि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब प्रियवासनि हाकरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटव गन्धनि कैटव भञ्जनि हाकरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते हरि शतकण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ण्डविपातितमुण्डपटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते कैरण दुर्मद शत्रुपदोदित दुरधर निरधर शत्रुविदे चतुरविचार दुरे नमः शिवभूतजलपदपादिपते दुरित दुरिह दुराशय दुर्मदिदानवधूतकृदासपते जय जय हे वर्षासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैल
जय जय हे वैदास अमर देव राम जगवर देन जय लसुदेव आय ने रहो कृत मात्र निराग धूम्र विलोचन धूम्र जते समर विशोज दजोन तमेज समदव विशोन तमेज तरे शिव शिव शुंभन शुंभ महाभव सर्वित भूत विजागरते जय जय हे वैदासुर सुखाय भवम्
चरणम शरणम करवाणि तथा मरवाणि निवास शिवम जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंग मर्दिनी अंतिम प्रश्न काले लास्ट पेज पेज नंबर 30 मानस क्षमा प्रार्थना है अत क्षमा प्रार्थना अपराध होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे ओ।
धर्मप्रिय बंधु, बड़ा शुभ समय अभक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस प्रातः काल के परम पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती जगजननी जगत माता की आराधना करने का, पुनर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता की कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। अष्टमी नौमी चतुर्दशी ये भगवती के विशेष दिन होते हैं, जिसमें कई भगवती विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ स्नान दान इसका अनंत गुणाफल होता है। फिर देवी की कृपा से इस प्रकार से इस जगत माता के दरबार में आकर के इस शक्ति परंपरा कार्य करके इस माँ के चरण में बैठ करके माँ की आराधना करने का, पुण्यर्जित करने का, माँ की स्तुति करने का, जी जप पाठ स्नान ध्यान करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होते ही इसका जो है पुण्य का जो है अक्षय फल होते हैं, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। ये अष्टमी जो है ये शीतलाष्टमी है। आज शीतलाष्टमी जो है इसका बड़ा विशेष महत्व जैसे बतलाया गया है, आज के दिन जो है इस शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है। ये रोगों को नाश करने वाली ही जो फोड़ा फेंसी या रक्त विकार जो है, इस प्रकार के जो कष्ट होते हैं या चेचक जो होती है, इस प्रकार के रोगों को दूर अर्था ये परम शांति को देने वाली ही और रोगों को जो है रोगों से जो मुक्ति देती है, ऐसी शीतलाष्टमी जो है इसका जो स्वरूप जो है ये जो बतलाया गया है वह इस प्रकार से है। वंदे हम शीतलाम देवम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलसोपेताम स्वरूपा अलंकृत मस्तकाम। यह भगवती का जो वाहन जो है गर्द के ऊपर जो है ये बैठी हुई है, इनके हाथ में जो है झाड़ू है, हाथ में झाड़ू है और जल का कलश है और सिर के ऊपर जो है सज सूर्प जिसको कहते हैं वह लिए हुए हैं और उस माता के जो है ऐसे स्वरूप के जो है वह साधक जन उसके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज दिन विशेष माँ भगवती का वंदन करते हैं कि भगवती माँ हमारे कष्टों को हमारे रोगों को आप दूर करें, हमें शीतलता प्रदान करें, हमारे जीवन में जो है सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहे और किसी प्रकार के जो भयंकर कष्ट जो हैं, जो दुख हैं, जो रोग हैं, उन सब का नाश करें और सब और सन भक्तों का कल्याण करें। माता के मुख्य भेद जो है जो बतलाए गए हैं ब्राह्मी, क्योंकि ये चेचक जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है और उस स्वरूप का जो ध्यान करना पड़ता है, इनके ऐसे मंत्र भी हैं, उन मंत्रों का जप जो है जब बतलाया गया है उनका जप करने से भी यही दुख जो शांत होते हैं। तो ब्राह्मी जो है माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही इंद्राणी और चामुंडा जे सात प्रधान जो है ये माता जी बतलाई गई, जो शीतला माता जो है इसके आज के दिन विशेष जो है व्रत कर करके और शीतल भोजन आज जो है ये व्रत का जो विधान जो है वे इस प्रकार से है कि पहले दिन ही भोजन तैयार हो जाता है सप्तमी के दिन, फिर माता को जब भोग लगाया जाता है पहले दिन का भोजन बनाया हुआ दूसरे दिन जब उसको उसी का भोग लगाया जाता है उसी का प्रसाद जो लिया जाता है बिल्कुल ठंडा, और अष्टमी के दिन जो है चूल्हा भी नहीं जलाया जाता, ये व्रत का विधान है। इस प्रकार जो व्रत जो करते हैं उनके जीवन में इस प्रकार के कष्ट जो है वह नहीं आते हैं, माँ शीतला देवी के आशीर्वाद से जो है उनके सभी कष्ट सभी दुख जो है वह दूर होते हैं। इसकी कथा भी इस प्रकार से है, कहते हैं कि मातृशक्ति जो है एक स्त्री जो है ये प्रतिदिन ये इसे शीतला अष्टमी के दिन जो है माँ शीतला की पूजा करती थी व्रत करती थी, ठंडा भोजन बना करके पहले दिन या दूसरे दिन जो है माँ को भोग लगाती फिर उसी ठंडा भोग जो है प्रसाद उसको ग्रहण करती ठंडी रोटी खाती, ना कि उस दिन उसके चूल्हा नहीं जलता था। कहते हैं कि अष्टमी का दिन था, एक दिन जो है उस गाँव में जो है
आग लगी, सबके घर जो थे वह जल गए, परंतु उस माँ का घर जो था वह नहीं जला। तो उन्हें पूछा कि सबके घर जले, आपका नहीं जला, ये कारण क्या है, ये कैसा कोई अद्भुत चमत्कार है कि सबके जल गए एक का बच गया, कारण क्या है? जब लोगों ने उससे पूछा तो उस माता ने कहा कि देखो, मैं जो है अष्टमी को जो है शीतला अष्टमी के दिन जो है वह माँ शीतला की आराधना करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ, पहले दिन भोजन तैयार करती हूँ और अष्टमी के दिन वह चूल्हा तक भी नहीं जलता है, माँ की पूजा करती हूँ, ये उसी की कृपा है, उसी का आशीर्वाद है जिसके कारण जो है मेरा घर नहीं जला। तब से जो है उन सब ने जो है ये व्रत करना प्रारंभ कर दिया। और शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है कि जैसे चेचक हो, फोड़ा फेंसी हो, शीतला माता की जो है विशेष पूजा आराधना करते करें, उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। और माता जो है विशेष करके यही अपने संतान की रक्षा के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए इस अष्टम का व्रत जो है ये करती। बोलो सच्चे द्रवाद की जय। तो माँ भगवती जो है रक्षा यत्र विशांश नागा यत्रा रह दसवलानी यत्र दावन जत तथाधि मध्य तत्र तथा तम परिपाश विश्व। जे माँ भगवती जहाँ राक्षस हो, जहाँ पर जो ही भयंकर विष वाले सांप हो, जहाँ जो शत्रु और लटेरों की सेना, और जो जहाँ दावनल हो, आग के बीच में भी और समुद्र के बीच में भी, यदि कि ऐसी परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति फंस चुका है, संकट में विपत्ति में है, तो जे भगवती जो है समुद्र के बीच में भी जो है उन भक्तों की रक्षा करती हैं, जो इस माँ भगवती जगजननी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, माँ के चरण नतमस्त होते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, इस माँ जगजननी जगत माता की उन भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा बनी रहती है। और जो भगवती हर स्थान पर हर क्षण हर पल अंग संग उन भक्तों की रक्षा करती है। विश्वेश्वितम परिपाश्य विश्वम विश्वात् धारे सेति विश्वम विश्वेश वंद्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया जे तोय भक्ति नम्रः। विश्वेश्वितम परिपाश्य विश्वम के माँ भगवती हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, यही पालन करते हैं माँ भगवती जो ही, जो सृष्टि स्थिति और संहार ये तीनों कार्य करने वाली यही भगवती है, यही सृष्टि काल में ब्रह्मा का रूप धारण करती है, पालन काल में विष्णु का रूप धारण करती है, और संहार काल में ये रुद्र भगवान शिव का रूप धारण कर लेती है। तो हे विश्वेश्वरी, तुम जो विश्व का पालन करती हो, विश्व रूप हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, इसने पूरे विश्व को धारण कर रखा है, पृथ्वी के रूप में इसी की स्थिति है, इसलिए पृथ्वी को माँ कहा गया है। तो प्रातःकाल उठते ही इस मातृभूमि की जो है प्रातःकाल सभी वंदना करते हैं कि हमसे कई प्रकार के पाप होते हैं, इस पृथ्वी पर जो है कई प्रकार के पाप होते हैं, परंतु एक माँ ही ऐसी होती है जिसमें उन, क्योंकि एक अपराध ने अनेक अपराध हमसे होते हैं, उन अपराधों को सहने की शक्ति जो है और क्षमा करने की शक्ति इसी माँ में है, माँ में होती है। माँ अपने संतान के बड़े बड़े अपराध सहन करती है, उनकी बड़ी बड़ी भूलें जो वह क्षमा करती है, और कष्ट सह करके अपने संतान के कल्याण के लिए, उसके सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। माँ का ऋण जो तभी कहा है, पुत्र जो चुका नहीं सकता, क्योंकि पुत्र का पालन कैसे होता है ये माँ जानती है। रात को बच्चा रोता है, आधी रात को कोई नहीं उठता, माँ जानती है। पुत्र जो है बिस्तर गीला कर देते हैं तो माँ जैसे सूखे बिस्तर सुलाती है, स्वयं गीले पर सो जाती है, उसे सूखे पर सोने नहीं देती। इस प्रकार से, किस प्रकार से वह माँ जो है पुत्र का जो पालन करती है, इसलिए माँ तो पुत्र को कभी संतान को दुखी देख नहीं सकती। जब संतान जो है धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करते हुए जब घर की आराधना करती है, तो माता के पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। अब घर में देखेंगे, जब बच्चे जो है प्रातःकाल स्नान करते हैं, स्कूल जाते हैं, और उससे पहले मंदिर में जाकर के प्रणाम करते हैं, तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है, हमारा पुत्र जो है, हमारी संतान जो किस प्रकार से धार्मिक है, भगवान का स्मरण करती है, भगवान का कल्याण करेंगी। और जिसके चरणों में बच्चे जाते हैं, जिस दरबार में, जिस मंदिर में, इस माँ के दरबार में आते हैं, तो इस माता को भी कितनी प्रसन्नता होती है, मेरे बच्चे कितने सुधर गए हैं, धार्मिक हो गए हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। जब बिगड़ते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो माता पिता को बड़ा दुख होता है।
इसलिए कहा है कि जब भी साधक जो है माँ के दरबार में आकर के माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं, अपराध सहस्रण कृत हर निशमया दासो अजुति माँ मत्ता क्षमा सो परमेश्वरी, कि माँ हमसे कोई एक नहीं, दिन रात जो है हजारों अपराध होते हैं, माँ हमें अपने चरणों का दास समझ करके हमें क्षमा कीजिए और आगे के लिए ऐसी हम पर कृपा कीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए, अपने चरणों से हमें लगाइए ताकि हम धर्म कर्म करते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसी हम पर आप कृपा करें, ऐसा ज्ञान दे हमें जो है, और ताकि जो हम कल्याण को प्राप्त हो सके हमारा आप ऐसा करें जिसमें हमारा कल्याण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो विश्वेश्वरी आप जो है विश्व का पालन करती हो, विश्व की रक्षा करती हो, विश्व को आप ही जो है धन करती हो, आप जो है भगवान विश्वनाथ के भी वंदनीय हो, भगवान विष्णु भी जो है आपकी जो पूजा करते हैं, भगवान शिव जो आपकी पूजा करते हैं, आप विश्वनाथ की वंदनीय हो, जो लोग भक्ति पूर्वक जो है तुम्हारे चरण में नमस्त होते हैं, अपना मस्तक तुम्हारे चरण झुकाते हैं, वैसपूर्ण विश्व को भी आश्रय देने वाले हो जाते हैं, ऐसी आपकी उन पर कृपा हो जाती है, जिन पर आपकी कृपा होती है वह दूसरों का भी कल्याण करने वाले हो जाते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रजन पूर्वक इस कल्याण में देवी की पूजा माँ की आराधना जो है अवश्य करनी चाहिए। विश्वास है देवी प्रसिद्ध परमा देवी प्रसिद्ध परिपाले नोरी भीते नित्यम जथासुर भदा धुदने सद्य पापाणी सर्व जगता प्रसन्न जासो उत्पात पाक जनिता महोब सरगण। देवी प्रसिद्ध परिपाल्य नोरी भीतर नित्यम जथा सर्वदा धुदने सद्य, कि देवी आप प्रसन्न हो जाए, आप प्रसन्न हो जाइए, जैसे समय जो है जो देवता माँ की स्तुति करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ आप प्रसन्न हो जाइए, जैसे समय जो है आपने जो है अश्रु का वध कर करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार से सदा हमें शत्रु के भय से आप बचाओ और संपूर्ण जगत का जो है आप पाप नष्ट कर दो और उत्पाद और पापों के फलस्वरूप जो है प्राप्त होने वाले महामारी आदि जो है जे बड़े बड़े उपद्रवों को जो है शीघ्र ही दूर कर दो। देखिए पापों के कारण से ही दुखों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपण संसित, पूर्व जन्म के किए पाप जो है व्याधि रोग के रूप में व्याधि के रूप में जो उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसलिए जो है वह ऐसे जो जो पाप महापाप हैं जिनके कारण से बड़े बड़े रोग आ जाते हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए माँ आप शीघ्र जो हमारे उन पापों को नष्ट करो और हमें जो है हमारे कष्ट को दूर करो और सब ओर से हमारी आप रक्षा करो। हे देवी प्रणतना प्रसितम देवी शांति हारिणी त्रिलोक के वासना मिजे लोकानाम भरदा भव, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली विश्व की रक्षा करने वाली माँ तुम्हारे चरणों में हम सभी पड़े हुए हैं, आपका स्मरण करते हुए भगवती माँ आपके चरण में हमारी प्रार्थना है कि हम पर जो है आप सर्वदा प्रसन्न रहें, प्रसन्न हो जाइए और त्रिलोक निवासियों की पूजनीय त्रिलोक की तीनों लोग जो है आपकी जो पूजा करते हैं हिमा परमेश्वरी सब लोगों का वरदान दो, सबका आप जो है कल्याण करो। सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक से अखिलेश्वरी एवं एव तया कार्यम अश्वधैर्य विनाशनम। जे देवता ने प्रार्थना करते माँ से कहा कि माँ सर्वेश्वरी आप जैसी प्रकार से तीनों लोगों को जो है स्वस्थ बाधाओं को जो है उनकी जो जो बाधा है उन बाधाओं को आप जो है शांत करें, स्वस्थ बाधाओं को शांत करें और जो है हम जब जब जो है आपका ध्यान करें आपका स्मरण करें हमारी इसी प्रकार से रक्षा करना और हमारे शत्रु का नाश करना। बोलो सच्चे द्रव्य की जय। जी देवताओं ने उस समय प्रार्थना की थी जिस समय समस्त देवतागण देवताओं से पराजित हो चुके थे, देवताओं ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया, ऐसे संकट काल में सभी देवताओं ने माँ की शरण ली और माँ के शरणागत होकर के फिर माँ से प्रार्थना की और माँ ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के ये स्वयं जय जय प्रकट हुई और सुम नशुम आदि देवताओं को जो है उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी और जब दैत्य पराजित हुए देवता की विजय हो गए तब देवता ने प्रसन्नचित होकर के माँ की स्तुति करते हुए प्रार्थना की थी कि माँ इसी प्रकार से हम पर प्रसन्न रहना,
हम जब जब आपका स्मरण करें, आपका ध्यान करें, हम पर कोई कष्ट आए तो हमारे स्मरण करने पर भगवती आप हमारी रक्षा करना, पापों से हमें बचाना, और पापों के कारण से जो हमारे जीवन दुख आते हैं हे भगवती माँ, उन दुखों को दूर करना और हमारे कल्याण के लिए इस प्रकार से हमें आशीर्वाद देना, ताकि हम जब धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए पर आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके। क्योंकि शक्ति की पूजा, शक्ति की उपासना जो है ये सब ओर से ये परम सिद्धि को देने वाली होती है। जो भी भक्त चिंतन करता है वह सब जो है उन भक्तों की मनोलक्षित कामना जो है जो माँ पूर्ण करती है। माँ से भला पुत्र की हृदय की बातें कौन जान सकता है। माँ जो हृदयेश्वरी है, सबके हृदय में बैठी हुई है, और जो है ये हृदय की बातों को जानती है। जो विशुद्ध मन से, सच्चे हृदय से माँ के शरणागत होकर के माँ को नमस्कार करते हैं, यकीन मानिए माँ की उन पर कृपा होती है। उनके सभी कष्ट, सभी रोग जो है, सभी दुख दूर होते हैं और उनके जीवन सुख शांति बनी रहती है। वे पूर्ण आयु का भोग करते हुए परम कल्याण को प्राप्त जाते हैं। इस माँ के आशीर्वाद से बोले सच्चे दरबार की जय। तो सभी जय माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भक्त माँ की साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर, इस पिंडी गृह में माँ के दर्शन करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश होते ही, परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके सभी कष्ट, सभी दुख जो हैं वे दूर होते हैं। तब से इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर करके अपने जीवन निज बना लीजिए और बच्चों को जो मंत्र बतलाइए, प्रतिदिन इस मंत्र का अवश्य जप पाठ करें। क्योंकि प्रतिदिन माँ का जो स्मरण करते हैं, इस मंत्र का जो जप करते हैं, इन तीनों देवियों की उन पर कृपा होती है, और जिन पर तीनों देवियों की कृपा होती है उनके जीवन किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे द्रवारी तो ऐं जय सरस्वती का बीज है, इसका जप करने से माँ सरस्वती की प्रसन्नता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है। हरिम जो माता महालक्ष्मी का बीज है, इसका जप करने से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और कलीम जो माता महाकाली का बीज है, इसका जप करने से शक्ति प्राप्त होती, शत्रु का नाश होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। चामुंडा माँ भगवती का नाम है। बिच्छे के रूप में माँ भगवती भक्तों को अभिदान माँ का नमस्कार करते हैं और भगवती भक्तों को अभिदान देती है। तो ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं माता महा सरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी और क्लीं महाकाली, जे इस मंत्र का जप करने से इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है। निरोगी जीवन, निरोगी काया, धन शक्ति और जो है विद्या शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्तियां, और जिसके वजह तीनों शक्तियां हैं उसके जीवन कभी किसी प्रकार की कमी होती नहीं और वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो माँ जगजननी वैष्णो देवी की आप पर पूर्ण कृपा बनी रही, और भगवती जो है आप जो ही मन की कामना लेकर के माँ के दरबार में आए हैं, माँ भगवती आपके उन मनोरथों को पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद, ये तीनों माताओं का आशीर्वाद जो है आप पर, आपके परिवार पर जो है सदा सर्वदा बना रहे। बोलो सच्चे दरबारी की जय। भजन की वेला निवेदन कर श्री मनिंद्र से माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आपसे भक्त से कीर्तन में सहयोग देना सा मिलकर बोलना ताली बजाते हुए जयकारा शिरोमणि जी का। बोल सच्चे दरबारी की जय। माँ जब देने पे आए, लेने वाला थक जाए। माँ जब देने पे आए, लेने वाला थक जाए। माँ जब देने पर आए, लेने वाला थक जाए। इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। माँ जब देने पे आए,
देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। ओ इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। ओ इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। ओ इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। गिली ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियां भरे, आपके मुरादे पूरे करें, आपका जीवन खुशी से भर देता रहे। चरणों की भक्ति दे दो, धन दौलत का क्या करना। चरणों की भक्ति दे दो, धन दौलत का क्या करना। चरणों की भक्ति दे दो, धन दौलत का क्या करना। चरणों की भक्ति दे दो, धन दौलत का क्या करना। हो तेरी शरण में जीना मुझको, चरणों में ही है मरना। तेरी शरण में जीना मुझको, चरणों में ही है हो। तेरी शरण में जीना मुझको, चरणों में ही है मरना। तेरी शरण में जीना मुझको, चरणों में ही है मरना। जब घड़ी आखिरी आए, मन में तेरी छवि समाए। जब घड़ी मन में तेरी छवि समाए। ओ इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। ओ इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। ओ इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। ओ इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। की लगन लगी है कुछ और न इच्छा मेरी। दर्शन की लगन लगी है कुछ और न इच्छा मेरी। दर्शन की लगन लगी है कुछ और न इच्छा मेरी। दर्शन की लगन लगी है कुछ और न इच्छा मेरी। ओ तेरे हाथों में सौंपी है जीवन की डोरी मेरी। तेरे हाथों में सौंपी है जीवन की डोरी हो। तेरे हाथों में सौंपी है जीवन की डोरी मेरी। तेरे हाथों में सौंपी है जीवन की डोरी मेरी। कोई भूल अगर हो जाए उसे माफ तू कर दे माए। कोई भूल अगर हो कर दे माए। हो इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। हो इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। हो इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। माँ जब देने है देवी,
सब कुछ तुमसे पाए। तो इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। तो इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। हाँ इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। माँ जब देने पे आए लेने वाला थक जाए। माँ जब देने पे आए लेने वाला थक जाए। ये दास तेरे चरणों में माँ शीश झुकाने आया है। ये दास तेरे चरणों में माँ शीश झुकाने आया है। ये दास तेरे चरणों में माँ शीश झुकाने श्रद्धा भक्ति लाया है। कुछ पास नहीं है मेरे बस श्रद्धा भक्ति लाया। कुछ पास नहीं है मेरे बस श्रद्धा भक्ति लाया है। कुछ पास नहीं है मेरे बस श्रद्धा भक्ति लाया। तू जिसको पास बुलाए वो कैसे भला रह पाए। जिसको पास बुलाए वो कैसे भला रह पाए। वो इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। हाँ इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो। इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ अभिमान मुझे हो जाए। अभिमान मुझे हो जाए। अभिमान मुझे हो जाए। हाय अभिमान मुझे हो जाए। अभिमान मुझे हो जाए। माँ अभिमान मुझे हो जाए। अभिमान मुझे हो जब देने पे आए। जयकारा शेरवन जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी शेरवन मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तुम हमारी थी मैया जी तुम हमारी हो। तुम हमारी ही रहोगी माँ मेरी अम्बे। तुम हमारी थी मैया तुम हमारी हो। तुम हमारी ही रहोगी माँ मेरी अम्बे।
Come on.
जयकारा शेरां वाली दरबार की मरंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल वो रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल आज ऐसी होई कमाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल आज ऐसी होई कमाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया रंग चढ़ गया रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल जय रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ाउंदी शेरा वाली रंग चढ़ाउंदी शेरा वाली रंग चढ़ाउंदी शेरा वाली इस रंग दी बात निराली रंग चढ़ाउंदी शेरा वाली रंग चढ़ाउंदी शेरा वाली रंग चढ़ाउंदी शेरा वाली मेरे हलो होए न सवाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल आज ऐसी होई कमाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया ओ रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा मैं भी मादा पल्ला फड़िया मैनू भी रंग मादा चढ़िया मैनू भी रंग मादा चढ़िया मैनू भी रंग मादा चढ़िया ओ मैं भी पल्ला मादा फड़िया मैनू भी रंग मादा चढ़िया मैनू भी रंग मादा चढ़िया मैनू भी रंग मादा चढ़िया भी तर गया इस रंग नाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल चढ़ गया लाल रंग चढ़ गया मादा गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल आज ऐसी होई कमाल आज ऐसी होई कमाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग
रंग विच संगत रंगी सारी दुनिया तो चंगी सारी दुनिया तो चंगी सारी दुनिया तो चंगी माध रंग विच संगत रंगी सारी दुनिया तो चंगी सारी दुनिया तो चंगी सारी दुनिया तो चंगी पूजिए शरदा लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल लाल चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग ओ रंग ओ रंग ओ रंग चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग बिच प्यानू रंगया भगती दादर माँ तो मंगया भगती दावर माँ तो मंगया भगती दावर माँ तो मंगया इस रंग बिच प्यानू रंगया भगती दावर माँ तो मंगया भगती दावर माँ तो मंगया भगती दावर माँ तो मंगया खुशियाँ च होया निहाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल चढ़ गया माता लाल अज ऐसी होई कमाल अज ऐसी होई कमाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल चढ़ गया माता माध रंग बिच नचा गावां नच नच के मैं मानू मनावां नच नच के मैं मानू मनावां नच नच के मैं मानू मनावां माध रंग बिच नचा गावां नच नच के मैं मानू मनावां नच नच के मैं मानू मनावां नच नच के मैं मानू मनावां गावां सुर ते ताल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल अज ऐसी होई कमाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल रंग चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता 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 लाल जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरां वाली दा ढोल सच्चे दरबार की जय हसदा मुस्कांदा जा तू नाम ते आंदा जा हसदा मुस्कांदा जा तू नाम ते आंदा जा चोटी पे एक गुफा निराली
दरबार की जय। आरोढ़ भ्रमतिज गगने दक्षिणे चक्षोत्र वामे हस्त दिभ्याम्र कंकमयं पुस्तकं जनगम्य सभीनाभादयन्ते स्वकर्कृजपि शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडन्त दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरोत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 15 प्रविष्ट हैं। कृष्ण पक्ष आज शीतला अष्टमी ही बृहस्पतिवार तदनुसार 28 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेष शीतला अष्टमी के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भानी भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञा भानी भव भूरिभूत करणी धानी कनिष्ठ भव तेजस्वी भव
भैर गर्भ दलनी व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यरत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्रेनाम देश शरीर वर्चस आयुष आरोग्यमाविदात् शुभमानम हियते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आपसे भक्ति जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिल कर बोलना चालू जाते हुए। ओम जय करता। ओम जय ओम गौरी।
शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। तो बोलिए ओम। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, शांति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, स्मृति रूपेण संस्थिता, स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, दया रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। दुर्गा माता की जय। कृष्ण माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे प्रिंस वल्लभ, हे माता जी कमल वल्लभ, हे माता जी वल्लभ, हे माता जी काल भैया को, हे माता जी मूलंग, 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 हे माता जी
तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मान से प्रार्थना करेंगे, समर्पण बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः। शांतिपुर बैठे बैठे आरती क्रम देखें सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, हमेश जय आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण पहल जो सतगढ़ी जो करनाधा ध्यान जय Thank you.
Thank you.
जो जो से ठीक है जो जो से तो पी लिया ओम गा देवी प्रभु शक्ति देवी।